सो ही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्या, आप देख रहे हैं मुझे। क्या आप लोगों को बेल आइकन नहीं मिला? तो सब्सक्राइब करो ना, आ जाएगा। तो बहुत महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, वो बहुत सारे रीजन से। एक रीजन तो ये है, मेरे बाल बहुत छोटे हो चुके हैं, देख सकते हो। तो ये मतलब छोटे, बहुत छोटे कर दिए मैंने, बट कोई बात नहीं। तो हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग मतलब वहाँ बाग डोगरा तक मेरी फ्लाइट है, तो 155 को फ्लाइट है। एंड अभी ओके अभी कुछ 10:37 है, हो रहा है। तो हम 11 बज के यहाँ से निकले गए, फर्स्ट फ्लाइट है। पता नहीं कैसा लगेगा। एंड मेरी बहन का जो HS फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए हम अगले साल तो HS फाइनल ईयर रहेंगे, उस देन उसके बाद मेरा मैट्रिक आएगा, मतलब HSLC का एग्ज़ाम आएगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम थे, इसलिए मैं हम अभी एक वेकेशन में जा रहे हो। तो अभी स्कूल का बहुत याद आ रहा है, स्कूल सब दोस्त जो है वो पढ़ रहे होंगे स्कूल पे। एंड एक दो तीन चीज़ें मैंने खरीदी है, जो कि चलो आपको दिखा देता हूँ मैं। वन टू थ्री, तो ये मैंने माइक खरीदा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा साउंड क्वालिटी मिल रहा होगा, नहीं आया तो नीचे कमेंट करना प्लीज़। तो और बाकी ये एक क्या बोलते हैं, यूरिक बोलते हैं शायद इसको, URIG। एंड ये जो केबल है एक, उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो बाकी कुछ है नहीं, तो चलिए अभी जब हम इधर से एक कैब बुक करेंगे उधर एयरपोर्ट तक, एंड एयरपोर्ट में सब चेक इन करेंगे। तो इधर अभी अभी पहुँचे हम, तो इधर हम शायद गो एयर है शायद हमारा फ्लाइट जो है, वो इधर से हम इन करेंगे। मतलब बहुत कुछ भी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए हम इधर आए, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए मैं इधर आ रहा हूँ। सब लोग देख रहे यार, ऑड लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं, बहुत मस्त है यार। उधर बैग चेकिंग होगा, उसके बाद जाएंगे। अभी हम इधर से बोर्डिंग पास लेंगे इधर गो एयर का। चलो फ्लाइट से हम बागडोगरा तक जग आए। उधर बागडोगरा में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं किया, थोड़ा सा कार में बैठकर कुछ डेढ़ घंटे की दूरी में हम मिरिक आ गए। अभी मिरिक पे है, उधर एक शायद लेक है, वो देखने जा सकते हैं। बहुत मज़ा आया, और मुझे मैंने अभी सो गया था, तो जस्ट 10 मिनट पहले उठा। तो
अच्छा भी नहीं लग रहा है। चलो वो लेक देखते हैं। बहुत सुंदर प्लेस है, बट मुझे तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी अभी सोके उठा हूँ तो, एंड शॉट्स दिए ना, एंजॉय करो सब। মিরিকৰ পানীপুৰী টেষ্ট লৈ আছে সাক্য আৰু প্ৰতীক্ষা। আপোনাৰ কিয় নাম হে? আমাৰ নাম কৃষ্ণ সাৰ। কৃষ্ণ সাৰ, কিতনা সাল চে হমকো আয়া ছিয়াশী সাল মে 86 তো 30 ইয়াৰ্ছ হৈ গিয়া। तो एक कृष्णा भैया ने 30 इयर्स से यहाँ पानीपुरी बेच रहा है और हमारा बेटा बेटी यहाँ पानीपुरी का टेस्ट ले रहा है। उधर पानीपुरी खाया जो अंकल दे रहे थे वो 30 सालों से इधर ही है, वो शायद 30 सालों से ये दुकान चला रहे हैं तो वे पानी लेने जा रहे तो वो तो है, बहुत अच्छा लगा, अंकल भी बहुत अच्छे। तो 10-15 मिनट पहले हम पहुंच गए दार्जिलिंग, तो हमने और भी जगह देखी, उधर वीडियोस मतलब फोटोज अलाउ नहीं थे, जैसे कि इंडिया एंड नेपाल का जो बॉर्डर था वो, एंड जो अभी रूम में हो ना बहुत सुंदर है रूम, तो एक दिखा देते हो। ओके मेरी बहन मोबाइल तो ओके कुछ पूछते हैं, कैसा लगा आप बोलिए। गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है यहाँ। ये बाबू लुलू, ये इसको 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 देखा होगा, इसको देखा होगा आपने पहले भी यार, देखा होगा ये मेरे गांव वाले व्लॉग में देखा होगा। एंड पूरा जो रूम है ऊपर देख सकते हो। हाय, मुझे बहुत अच्छा लगे, देखता हूँ मैं ये वीडियो एक अलग वीडियो बना के दे सकता हूँ या फिर कल का व्लॉग जोड़ के दे सकता हूँ। एंड आपसे पूछता हूँ आप क्या बोलेंगे, बोलिए थोड़ा छोना सा। ओके मैं भी सोऊंगा, चल रहा। बहुत सुंदर, देख लो एक रूम टूर। ये बालकनी है, पूरा जो नजारा दिखता है आप लोगों को। ये दार्जिलिंग के चॉकलेट्स है। खा गए वो, खा गए लिटरली, मुझे दी भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो पता नहीं कब ये वीडियो अपलोड करूँ, शायद सुबह या फिर रात को भी कर सकता हूँ, अभी तो 8:30 बज रहे हैं, तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं अभी। तो कल सुबह 2 बजे उतना होगा, इसलिए जल्दी जल्दी सोएंगे। एंड कल टाइगर हिल्स और बहुत जगह जाना है, एंड स्नो जिधर है वो कुछ ऐसा, क्या नाम क्या था, स्नो नाम की सिल बंडो ऐसे जी, नाथुला नाम का भी एक जगह था, लेकिन अभी वो बंद है तो वहाँ शायद नहीं जा सकते। नाथुला मतलब क्या पता है, जो मतलब ये बीबी की फैंस ने जो किया था, जो एक मिनट, बाबा हरभजन सिंह, उनका एक मंदिर है,
तो वो भी नाथुला में ही है, लेकिन नाथुला अभी बंद है तो उधर नहीं जा सकते। तो और भी जगह है जिधर बर्फ पड़ता है, तो उधर जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।